हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजी स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, सेंट्रल रेलवे वाले एलपी कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है। जिनका भी नागपुर डिवीज़न है, फाइनली नागपुर डिवीज़न वाले एलपी कैंडिडेट जिनको ट्रेनिंग के लिए नवंबर वाली बैच के अंदर बुलाया जाना था और उनको रिपोर्टिंग के लिए एक डेट भी दे दी थी, लेकिन आज की तारीख के अंदर जो एक और ईमेल आया है और उनकी जो ट्रेनिंग नवंबर वाली बैच से शिफ्ट होकर अब उनकी दिसंबर वाली बैच के अंदर हो गई है और उनकी रिपोर्टिंग डेट भी अब बदलकर 16/12/2020 कर दी गई है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा, पूरी अपडेट दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या ईमेल आया है स्टूडेंट को। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आज की तारीख के अंदर ईमेल आना स्टार्ट हो गया है और स्टूडेंट ने जो है मुझे क्रॉप करके ही भेजा है उनका नाम और रोल नंबर जो है प्राइवेसी के रिगार्डिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो सब्जेक्ट के अंदर बताया गया है एम्प्लॉयमेंट टू ग्रुप सी सर्विस थोक आरआरबी बिलासपुर सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन वाले ही कैंडिडेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हो बताया गया कि जो इनको पहले जो लेटर आया गया था ईमेल के माध्यम से 21/10/2020 को, तो उनको जो रिपोर्टिंग डेट बताई गई थी 17/11/2020 को और उनकी जो ट्रेनिंग जोनल रेलवे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भुसावल के द्वारा 20/11/2020 को स्टार्ट की जाने वाली थी, लेकिन अब जो है इनकी ट्रेनिंग 20/11/2020 को स्टार्ट नहीं होगी और ये जो ट्रेनिंग है वो 23/12/2020 वाली बैच के अंदर स्टार्ट की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ टेक्निकल रीजन के कारण इनकी इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम जो अप्रेंटिस एलपी था वो अब 23/12/2020 से स्टार्ट किया जाएगा, जो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और इनको एडवाइस दी गई है कि अब जो इनको ऑफिस के अंदर रिपोर्ट करना रहेगा 16/12/2020 को और 17/11/2020 को इनको रिपोर्ट नहीं करना है। साथ ही के अंदर यहाँ पे बताया गया कि जो 7 दिन का होम क्वारंटाइन का जो प्रावधान था वो वापस ले लिया गया, यहाँ पर आप देख सकते हो विड्रॉ कर लिया है उसे। और यहाँ पर आप देख सकते हो आज की तारीख के अंदर ये ईमेल आया है 3/11/2020 को, सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन वाले एलपी कैंडिडेट है। और कैंडिडेट बता रहे थे जो न्यू शेड्यूल आया था अब वो फॉलो नहीं होते हुए जो ओल्ड शेड्यूल है वही फॉलो किया जा रहा है, ऐसा स्टूडेंट का कहना है। तो फ्रेंड्स, यदि छोटी सी अपडेट सेंट्रल रेलवे नागपुर डिवीजन वाले एलपी कैंडिडेट के लिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल एमजे स्टार एजुकेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।